खाली ओसी और कोहरा ही कोहरा दिखेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। लोग बच के रहो और अपनी चादर और नहाली के अंदर रहो, ठीक है, और स्वेटर तो जरूर पहनो यार, और दास्तान और सूप पैर में हमेशा रखो, ये हो ना हो तो ठंड मार दे। तो गाइस आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वॉइस है यार, चिड़िया चिड़चिड़ा रहा है, मॉर्निंग का टाइम है तो आप सुन सकते हो, यू कैन हियर दिस वॉइस कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ फॉरेस्ट। तो गाइस ठंड तो बहुत ज़्यादा है यार। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर लवली फैमिलीज माय चैनल्स मेंबर। तो आई होप यू आर द गुड देयर एंड योर फैमिलीज विल होप ऑलवेज गुड। तो गाइस आज जो मैं आया हूँ आपको देख सकते हो इस बिहाइंड वे अगर किधर। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज के दिन मैं दिखा रहा हूँ आप सबको कि क्या और किस लिए मैं दौड़ रहा था। तो देख सकते हैं यार कितनी ओस पड़ी है भाई, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर कोई अगला आया ना तो ठोक के जाएगा, इसलिए ठोक के जाएगा क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है। भाई नॉर्मल चलोगे क्योंकि कोहरे के टाइम है, नॉर्मल चलाओगे गाड़ी क्योंकि आपकी जान है तो बहुत कुछ है, अगर जान नहीं रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। तो गाइस चिड़िया लोगों को पता नहीं क्या हो रखा, बेचारे लोग को ठंड लग रहा है या नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन लग रहा होगा यार जैसे मानव को लगता है, वैसे हम लोग को लग रहा है तभी तो चिल्ला रहा है यार, गेस तो नहीं कर पा रहा लेकिन लग नहीं रहा होगा हमें। आई थिंक यार दौड़ गया तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, हो गया थक गया मैं। तो इस तरह के जब टाइम है, अगर मैं 5 मिनट ऐसे रह जाऊँ ना तो ये जितने कोहरे हैं ना मेरे बाल पे आके जम जाएंगे, ठीक है। तो अभी और खेत यहाँ पे बड़ा हुआ ठंड लग रहा है, तो अगर गार्डन में तो फॉरेस्ट में तो जा नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं जा सकता हूँ क्योंकि जितने पेड़ पौधे पर वो सीट लहरी जो टंगा होगा, जाऊँगा तो वो मेरे ऊपर पड़ जाएगा और पड़ेगा तो ठंड लगने लगेगा क्योंकि अभी दौड़ के मैं आ रहा हूँ जस्ट। तो गाइस मैं सोचा कि यार क्यों नहीं वीडियो ब्लॉग कोहरे का डालूँ, तो भाई मुझे अच्छा लग रहा था कि सोचा चलो डाल ही देता हूँ किसी ना किसी तरह से, चलो व्हाटएवर जो भी किसी को पसंद हो। गाइस आप देख सकते हैं करके भी दिखाता गाइस। तो आपने देखा थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद हम गाँव वासियों को इस तरह से लाइफ स्टाइल होता है और हम लोग इस तरह से ही जीते गाइस। आप बोलोगे देहाती आई मीन यू लुक लाइक अ देहाती पर्सन, आई एम नॉट लुक लाइक अ देहाती पर्सन, क्योंकि एक किसान का बेटा, नॉट कॉल अ फार्मर्स सन, ओके
ऐसे कहलाता है यार, भले ही क्यों ना उसको तकदीर ही क्यों बदलना चाहे, लेकिन बाद में उसको पापा माते पीते जो भी हो फार्मेसी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, वैसे मैं भी हूँ, सो डोंट माइंड। और आज के ब्लॉग में मैं यही दिखाने वाला था सबको, तो गाइस तो केवल कोहरे ही दिखेगा आपको, और कोहरे इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ठंड की टाइम है, और ठंड की टाइम में इतनी ज़्यादा कोहरे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। यू कैन नॉट थिंक। देखो कोहरे इतनी ज़्यादा हैं कि आप जिधर भी दिखोगे ना वहाँ पे मेरे पेड़ हैं, तड़का वो पता नहीं चल रहा है आपको, दिख रहा हो हल्का हल्का, ठीक है वो मेरे, ठीक है उसको मैं सोचूंगा कि दिखा सकूँ, और देखो दिख रहा है कभी 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 दिख रहा है, तो वो जब पता नहीं चल सकता, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है फिर भी हो। अरे यार रूट के तो देखोगे तो लगती है कि बैंड बजाए, देखो पूरी को पूरी, यार बच के चलो यार, ठंड की टाइम है यार गाइस। तो गाइस फिर भी तब तक लिए जय हिंद, और मैं चलता हूँ घर की ओर। मैं दौड़ के चल रहा हूँ, ठंड में कितनी बुरी तरह से, सकते हो आप यार कि इस पॉइल पे कितना कोहरा गिर चुका है यार, वाइट वाइट हो रखा हो, आपको दिख रहा हो यार, देखिए पूरा कोहरा का पूरा पूरा हुआ है, क्योंकि बिहार में यार बल्कि हर जगह पे पता नहीं कहाँ कहाँ है, लेकिन आई डोंट नो आइडिया क्या कहाँ तक है, आप देख सकते हैं कितनी कोहरे हैं। उसके बाद मैं आपको ब्लॉग वीडियोज़ को बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ कोहरा पड़ती है, तो भाई इस ठंड में बचो।